श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुबरेश्वर धाम सीहोर में। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा कब बनाई जाएगी, 16 अक्टूबर को या 17 अक्टूबर को? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कन्फ्यूज्ड है कि 16 अक्टूबर को बनाई जाएगी या 17 अक्टूबर को बनाई जाएगी। तो आज हम उसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। यह बहुत छोटा वीडियो है और बहुत अच्छी जानकारी है, आप ज़रूर यह पूरा वीडियो देखेगा। तो हमारे सभी संत आचार्य और ज्योतिषी के अनुसार जो शरद पूर्णिमा है वो उसकी जानकारी कुछ इस तरह है। और हमारे पंचांग के अनुसार आप यदि उपवास करते हैं, आपको चंद्र दर्शन कब करना है, आपको हम लोग जो खीर बनाते हैं वो 16 को रखना है या 17 को रखना है, तो हमें जो हम खीर बनाते हैं रात्रि को रखते हैं वो हमको आज रखना है 16 अक्टूबर को। तो आज हमको क्या क्या करना है, उपवास हम आज कर सकते हैं, जो चंद्र दर्शन होते हैं चंद्र दर्शन भी हमको आज ही करना है, और जो हम अमृत बरसता है हम खीर बाहर रखते हैं वो भी आपको आज ही करना है, रात्रि को हम जो गोपी गीत का पाठ करते हैं वो भी आपको आज ही करना है, और हमारे परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जो सारे उपाय उन्होंने बताए हैं शरद पूर्णिमा के लिए वो भी आपको आज ही करना है। यदि आप उपाय देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके आप प्रदीप मिश्रा जी के उपाय आज के ज़रूर देख सकते हैं, बहुत ही सरल उपाय हैं और बहुत ही अच्छे उपाय हैं। और उसके बाद आपको आज का मैं आपको ये सब बता चुकी हूँ। उसके बाद जो कल 17 अक्टूबर है, तो 17 अक्टूबर को जो बोलते हैं ना स्नान दान वाली पूर्णिमा कल है, तो आपको कल स्नान वाली पूर्णिमा है तो कल आप स्नान कर सकते हैं, और आपको जो भी दान करना है धर्म करना है ये सब आप कल कर सकते हैं। बल्कि आज की पूर्णिमा से ज़्यादा फल और पूर्ण पूर्णिमा कल मानी जाएगी। बस चंद्र दर्शन और जो उपाय है उसके लिए पूर्णिमा आज होगी, क्योंकि कल की जो पूर्णिमा है वो उदया तिथि की पूर्णिमा होगी। और जो हमारा कार्तिक मास स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होगा 18 अक्टूबर से। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आप समझ चुके होंगे। यदि कुछ और आपको प्रश्न करना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को कुबरेश्वर धाम सीहोर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।